हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम सीखेंगे सैलरी को एडजस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, यानी एडवांस सैलरी, कोई इम्प्लॉई है जो सैलरी जिनकी 25,000 रुपए है या 30,000 रुपए है, कुछ भी जो भी हो, व्हाटएवर, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मान लीजिए कि सैलरी जो भी है तो उसमें से 5,000 रुपए या 4,000 रुपए उन्होंने एडवांस में ले लिए, ठीक है। अब जब एडवांस में ले लिए तो उस एडवांस को जब उनकी सैलरी मिलेगी, मतलब पहले ही ले लिया, 2 जून को ले लिया मान लीजिए और 1 जुलाई को या 2 जुलाई को उनकी सैलरी पेमेंट होनी है, तो 2 जून को ही ले लिया, तो अब जो पैसा ले लिया उसको सैलरी से कैसे एडजस्ट करेंगे, ये दिक्कत है। तो ऐसा अगर हमें करना है तो उसके लिए आपको लेजर्स बनाने होंगे। क्या क्या लेजर्स बनाने होंगे, मैंने बना रखा है, आप बना लीजिए, मैं दिखा देता हूं कैसे बनाना है। ये देखिए, यहां पर आकर के सबसे पहले तो एम्प्लॉई का नाम देख लीजिए क्या है। मेरे यहाँ राम सर हैं तो ये एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर राम सर का सैलरी अकाउंट बना लीजिए। तो ये सैलरी अकाउंट बना लिया, और सैलरी होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में, देख सकते हैं आप। अब बाहर आ जाता हूं और बाकी की चीजें देख लीजिए ऐसे के ऐसे रहेंगी। और इसके बाद फिर दूसरा जो लेजर बनाया मैंने, राम सर की सैलरी एडवांस का बनाया, और ये जाएगा लोन एंड एडवांस एसेट में, देख सकते हैं आप, पूरा डिटेल देख लीजिए। ऐसे ही आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अब क्रिएट करने के बाद फिर बाहर आते हैं, एक और लेजर बनाना है कि एडवांस लेने के बाद जब सैलरी इनको पेमेंट होगी फाइनल, तो कितनी रुपए सैलरी जो है इनको मिलेगी, कितना मिलेगा, कितना बचेगा, तो वो अपने आप आ जाएगा। तो वो चीज जो है हमको देखना है। तो सबसे पहले तो सैलरी जो एडवांस में इनको दी जा रही है उसको पेमेंट कर दिया जाए, तो यहाँ वी प्रेस करके वाउचर में आ जाते हैं, पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें रहना है सिंगल एंट्री मोड में। तो यहाँ पर सप्लायर का कुछ इनवॉइस नंबर डाला, 2 जून को सैलरी मांग रहे हैं तो इनको दे देते हैं। क्या करना है, तो यहाँ पर कैश में दे देते हैं। अगर आप बैंक से देना चाहें तो बैंक का एक लेजर बना लीजिए और उसके थ्रू आप सैलरी पेमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी एडवांस का लेजर जो बनाया था राम सर सैलरी एडवांस, वो लगा दीजिए। लगा दिया, कितना रुपए सैलरी दे रहे हैं एडवांस में, मान लीजिए 4,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ नरेशन डाल सकते हैं चाहे तो, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। ये हो गया सैलरी एडवांस तो दे दिया, लेकिन अभी डेट कर देना है चेंज हमको, मान लीजिए 1 जून था ना, तो 7 कर देता हूं 2019, तो 1/7/2019 को इनको सैलरी मिलनी है। तो अब आ जाते हैं वापस कहां से, जनरल वाउचर में आ जाते हैं। अब 7 प्रेस करके जनरल वाउचर में आ जाइए। अब यहां डबल एंट्री मोड में रहना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जो सैलरी मिलती है उसका सैलरी अकाउंट का लेजर आप लगा दीजिए, लाइक राम सर का जो सैलरी मिलता है ना वो अकाउंट लगा दीजिए। तो मान लीजिए कि इनको 20,000 रुपए सैलरी मिलता है, ठीक है, तो ये 20,000 लगा दिया हमने। अब यहाँ पे आ रहा है डेबिट, तो डेबिट नहीं, यहाँ पे क्रेडिट चाहिए, तो सीआर आप हाथ से लिख दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है राम सर सैलरी पेबल, लेकिन ये लेजर हमको चाहिए नहीं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सैलरी एडवांस वाला चाहिए। तो ये ऊपर है, देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगा दीजिए कितना रुपया ये एडवांस ले चुके हैं, तो 4,000 रुपया लिए हैं, तो 4,000 रुपया डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए सैलरी पेबल इनको अपने आप आ गया है, कहने की जरूरत नहीं आपको, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और ये सैलरी पेबल यहाँ पे निकल करके आ गया, यहाँ पे नरेशन में आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं, लाइक सैलरी पेड टू राम सर रुपीज कितना दिया, 16,000, तो ये लिख दिया 16,000, इस तरीके से लिख दीजिए, ये काम हो जाएगा, एक्सेप्ट करा लीजिए। एंट्री पास हो गई आपकी, आपको देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और ये एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। अब एक ही एंट्री दिख रही है क्योंकि वो डेट चेंज हो गई है, वो 2 जून के डेट में थी, तो अगर आप वो भी एंट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ खाली डेट चेंज कर दीजिए, 2 जून कर दीजिए, JUN जून, और यहाँ पे कर दीजिए 2019, इस तरीके से, और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बार डी प्रेस कीजिएगा तो वो पेमेंट वाली एंट्री दिखेगी, वो एंट्री नहीं दिखेगी। और यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस इनका 0 हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।